यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं सजाद गिल और मैं अंबर जमशेद आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं गॉड गिफ्ट टीवी। तो नाज़रीन, गॉड गिफ्ट टीवी पे आज का हमारा प्रोग्राम है हम दो सना। प्रोग्राम के होस्ट पास्टर तिमान जकी साहब हैं, वो आज किसी वजह से मसरूफियत थी उनकी, वो इस वजह से नहीं आ सके, तो हम उन जैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो भी गलती हो जाए प्लीज़ पहले से माफ़ी चाहता हूँ कि हमें माफ़ कीजिएगा जो भी गलती हो जाए। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। नाज़रीन, हम पहले अपने गेस्ट को बुलाने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करना भूलना जी। सजाद भाई, आज आपने इनवाइट किसे किया जी? आज बताते हैं, एक मिनट ठहरे, पहले आप बताएं कि आप हमारे यहाँ पे सेट पे आई हैं, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे हमेशा होस्टिंग करती रहूँ और साथ ही खुदावंद इस गॉड गिफ्ट टीवी को बरकत दे जी। थैंक यू। तो चलते हैं हम अपने मेहमानों की तरफ। आज की जो वर्शिपर हैं, फरजाना महमूद, बहुत अच्छा गाती हैं, खुदावंद ने उनको बहुत अच्छा तोड़ा दिया हुआ है, बहुत सुरीली आवाज़ है उनकी। तो चलते हैं हम अपने मेहमानों की तरफ। फरजाना महमूद आज हमारे साथ मौजूद हैं जी। सिस्टर, कैसी हैं आप? जी ब्रदर, मैं बिल्कुल ठीक, शुक्रगुजारी खुदावंद की। आप कैसे हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सिस्टर, आपको कैसा लगा यहाँ पर आके? ब्रदर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके, और जब मुझे पता चला कि आपने यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपकी सोच जो है वो मैंने ये देखा है कि आपने YouTube चैनल के बहुत बहुत और भी बहुत तरीके, लोग और अलग 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 तरीक़ों से जो है वो काम कर रहे हैं चैनल्स पे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपने यहाँ पे खुदा का काम शुरू किया है। सो खुदावंद गॉड गिफ्ट टीवी को और बढ़ाए, आपको खुदावंद और बरकत दे। गॉड गिफ्ट टीवी जो है दुनिया के इंतहा तक जो है, गॉड गिफ्ट टीवी जो है दुनिया जाने गॉड गिफ्ट टीवी को। जी थैंक यू सो मच सिस्टर। तो सिस्टर, रास्ते में आपको दुश्वारी तो नहीं हुई यहाँ पे आने की? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम। आपको अपने पापा के साथ आई हैं? जी पापा के साथ। तो वैसे हमने आपको सुना हुआ है, आप बहुत अच्छा गाती हैं, खुदावंद ने आपको बहुत अच्छा तोड़ा दिया हुआ है जी। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपको किसकी सपोर्ट है? अभी भी आपने पूछा कि आप किसके साथ आई हैं जी, तो पापा के साथ। तो मुझे, अगर मैं आज जो कुछ भी हूँ तो अपने पापा की वजह से, उन्हीं की सपोर्ट है मुझे। तो ज़बरदस्त, आप इतना अच्छा गाती हैं, तो प्रैक्टिस करती हैं घर में, कैसे आप इतना अच्छा गा लेती हैं? जी ब्रदर, प्रैक्टिस की बात, प्रैक्टिस भी मैं करती हूँ, लेकिन जो है मेरी सिंगिंग जो है ये मुझे गॉड गिफ्टेड है, खुदावंद ने मुझे ब्लेसिंग दी हुई है। Very nice. वो बात है ना कि खुदा जो है वो पेट ही से चुन लेता है जिससे उसने अपना काम कराना होता है। तो मेरी जो आवाज़ है ये मेरी ब्लेसिंग है, और मेरी ये जो ब्लेसिंग है ये मुझे गॉड गिफ्टेड है। तो कैसे टाइम निकालती हूँ, मेरा टाइम ही सारा इसी काम में है, इसी काम के लिए ही मेरी लाइफ है, मेरा मकसद ये है, तो टाइम निकालने वाली बात नहीं है, मेरा तो काम ही ये है। तो फिर घर में आप काम तो नहीं करती होंगी मेरे ख्याल से? नहीं, घर में काम भी करती हूँ। अच्छा, तो आपके बाकी बहन भाई भी वो करते होंगे काम, या वो भी सिंगिंग करते हैं? नहीं नहीं, मेरे बाकी बहन भाई जो हैं वो फ़िलहाल स्टडी कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन सिंगिंग का जो है हमारे घर में थोड़ा थोड़ा जो है वो सब में ये थोड़ी थोड़ी क्वालिटी है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आगे आपके साथ कोई और भी बहन या भाई कोई साथ गाता है, या अभी कोई प्रैक्टिस में जा रहा है या नहीं जा रहा है? नहीं नहीं, और कोई नहीं है, अभी फ़िलहाल मैं ही हूँ। खुदावंद ने चाहा तो मेरी सिस्टर्स जो हैं वो मेरे साथ आगे फ्यूचर में करेंगी। ठीक है। तो आपका वैसे कौन सा सबसे ज़्यादा हिट गीत कौन सा है? मेरा हिट गीत जो है वो मैंने बाकी लोगों के साथ भी किए हैं सबसे पहले, लेकिन जो मेरे खुद के हैं वो मैंने दो गीत अभी तक रिकॉर्ड किए हैं। मेरा पहला गीत जो है खून और गोश्त की जंग नहीं, जिसके लिरिक्स जो हैं वो मेरे पापा के ही हैं, मुबशर महमूद साहब के। तो ये जंग रूहानी फौजों से है, ये खून और गोश्त की जंग नहीं, ये मेरा पहला गीत है जी। वेरी नाइस। इसके अलावा वर्शिप जब करने जाती हैं तो लोग कैसा, मतलब कि वो आपको रिस्पॉन्स देते हैं? मैं जब भी वर्शिप के लिए जाती हूँ तो लोग बरकत तो पाते हैं,
लेकिन मैं अगर आवाज़ की बात करूँ तो जो कोई भी सुनता है तो वो यही कहता है कि आवाज़ तो मदानी है। मुझे ये बात बड़ी याद है। तो मुझे खुदावंद ने बरकत दी है, सीखती भी हूँ, लेकिन उससे पहले, सबसे पहले जो है ये मेरी जो आवाज़ है, ये जो मेरी बरकत है, ये खुदावंद की तरफ से है। सिस्टर मुझे याद है कि हमने एक प्रोग्राम किया था, गीतों का कंपटीशन हमने किया था, और आप आई थिंक कि आप सेकंड आई थी, याद होगा आपको जी। तो तब मैंने भी सुना था, तो बहुत मुझे भी बरकत मिली थी। तो उस वक्त से लेकर अभी तक दोबारा आपने कभी किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया? उसके बाद मैंने एक और कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जबूरों का कंपटीशन था, द वॉइस ऑफ डेविड, जिसके जज थे उस्ताद महबूब गिल साहब। तो वहाँ पे मेरा, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। और इसके अलावा बस? जी, उसके अलावा बस। तो मेरे ख्याल से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड यही आपका चलता आ रहा है मेरे ख्याल से। जी, तो वेरी नाइस। बहुत कम लोग होते हैं जो इतना फर्स्ट सेकंड या थर्ड आए, तो ये बहुत अच्छी बात है। खुदावन ने आपको बहुत जगह पे इस्तेमाल भी किया है। आज इनके साथ और भी गेस्ट मौजूद हैं, फैसल भाई जो बहुत अच्छे वर्शिपर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, बहुत अच्छा हारमोनियम प्ले करते हैं। आज सिस्टर फरजाना महमूद के साथ ये प्ले भी करेंगे। इसके साथ ही हमारे अगले गेस्ट हैं ब्रदर आमर साहब, ये तबला नवाज हैं, बहुत अच्छा ये तबला प्ले करते हैं। खुदावंद को बरकत दे। आप सबका थैंक यू कि आप यहाँ पर आए और हमें आप लोगों ने इज़्ज़त दी, गॉड गिफ्ट टीवी को आप लोगों ने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। तो मैं चाहता हूँ कि वर्शिप क्या आप सुनाएंगे आज हमें कुछ? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, ज़रूर। आज आप कौन सा गीत सुनाएंगे? कौन सा गीत सुनाऊंगी मैं? तो मेरा तो दिल कर रहा है मैं यहाँ पे आपको 2-3 गीत सुनाऊं, तो अगर आपके पास टाइम है तो। जी टाइम है, टाइम हम आप लोगों के लिए सारा टाइम है। तो चलते हैं, हम सुनते हैं सिस्टर से गीत। तो